तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग की जो गुडलक ऐप होती है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है थीम पार्क। उसके एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। नए अपडेट के साथ क्या नए फीचर को एड ऑन किया गया आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस एट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ थीम पार्क की नई अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपनी गुडलक ऐप में। गुडलक की ऐप में आप जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको मेकअप में मिल जाएगा थीम पार्क का नया अपडेट। आप जैसे ही उस अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा वहां पर आपके गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप देखेंगे नया अपडेट आपको अवेलेबल दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन नंबर है 1.0.9.43, जिसको कब रिलीज किया गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इसको 21 नवंबर को रिलीज किया गया है, जिसमें 14.87 MB का नया अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या किया गया है। वन यू आई 5.0 में क्विक पैनल प्रीव्यू अपडेट किया गया है। अगर आप वन यू आई 5.0 को अपडेट कर चुके हैं तो आपको क्विक पैनल प्रीव्यू का अपडेट यहाँ पर मिल गया है। साथ में कोई भी एरर और कुछ थीम्स के कलर्स में जो इश्यू थे, फिक्स थीम्स कलर्स के जो इश्यूज थे, यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया है। ओवरऑल इस अपडेट में जो भी कुछ बक्सेस थे, बक्सेस को फिक किया गया है। और वन यू आई 5.0 में क्विक प्रीव्यू को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो उसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको एक बार इसका नॉर्मल सा यूज बता देता हूँ। तो उसको फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आप जैसे इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो यह यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको अच्छे से यूज करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आज मैं सिर्फ आपको नए अपडेट्स के और नए उसके फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने उसमें बताया वन यू आई 5.0 में क्यूब पैनल का प्रीव्यू का अपडेट, तो यहाँ पर आप क्यूब पैनल पे जाएंगे तो आपका इसका जो प्रीव्यू में कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्रीव्यू का अपडेट आपको यहाँ पर सही साथ मिल जाएगा। और इसको कैसे बनाना है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी आपने क्रिएट करा हुआ है आप यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर देंगे तो ये क्यूब पैनल आपका अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर क्यूब पैनल को भी डिजाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जो भी क्यूब पैनल लगाना है आप उस पर क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्यूब थीम्स पार्क के अंदर क्यूब पैनल का भी थीम को डिजाइन कर सकते हैं, कीबोर्ड की थीम्स की भी डिजाइन कर सकते हैं, नॉर्मल थीम भी डिजाइन कर सकते हैं, आइकन के पैक भी डिजाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम की थीम भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल जो भी थीम से रिलेटेड वर्क है आप सब इसके अंदर कर सकते हैं। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छे से अगर आपको थीम पार्क देखना है तो आपको मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, जाके आप जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फेसबुक पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।